Dear learners, myself, Dr. Rita Chauhan, Assistant Regional Director at IGNU Regional Center, Delhi to Rajkat. In this session, we will learn about evaluation system of IGNU programs. IGNU programs के क्या क्या component होते हैं और उनकी marking scheme कैसे होती है. IGNU में दो type के evaluation systems हैं, formative and summative. Formative evaluation वो evaluation होते हैं जो कि आपकी पढ़ाई के दौरान की जाती है. जैसे कि जब आप अपना study material पढ़ते हैं तो आपकी unit के end में self-assessment exercises होती हैं, then assignment, then internship. Internship, workshop, training, etc. Summative evaluation वो evaluation होते हैं जो कि आपके session के end में होते हैं, या इसको हम term end examination भी कहते हैं. ये theory exams भी हो सकते हैं and practical भी हो सकते हैं and project के component भी हो सकते हैं इसमें, depending on different kind of IGNU के programs. इन सभी components में से self assessment exercises की कोई mark हमारे जो final grade card में नहीं add होते हैं. इसके अलावा बाकी सभी कंपोनेंट के मार्क्स जो हैं ये आपके फाइनल ग्रेड्स या मार्कशीट में ऐड होते हैं. इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप सभी कंपोनेंट में पासिंग मार्क्स एटलीस्ट जरूर लाएं ताकि आप कोर्स को कंप्लीट कर सकें. अब हम एक एक कंपोनेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले है असाइनमेंट्स. असाइनमेंट्स जो है आपको कहाँ मिल सकते हैं? असाइनमेंट्स आपको इग्नू की वेबसाइट पे मिलेंगे. इग्नू की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ के स्टूडेंट जोन में डाउनलोड सेक्शन है, वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे. ये इस टाइप का होता है. आप इसमें देख सकते हैं आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स है. मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है, देन बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है, पीजी डिप्लोमा है एंड उसके बाद डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है. सभी प्रोग्राम्स के असाइनमेंट वेबसाइट पे अवेलेबल है. असाइनमेंट डाउनलोड करने के बाद आपको असाइनमेंट की वैलिडिटी चेक करनी है कि वो उस पर्टिकुलर सेशन के लिए वैलिड है कि नहीं. असाइनमेंट लिखने से पहले आपको सारे गाइडलाइंस को पढ़ना है. असाइनमेंट लिखना कैसे? इट शुड बी हैंड रिटन. आपको अपना स्टडी मटेरियल पढ़ना है और आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने हैं. दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं उससे पहले आप अपने असाइनमेंट का फोटोकॉपी अपने पास रखें. और असाइनमेंट जो है एक सेशन में एक ही बार सबमिट होगा, तो ये ध्यान रखें जब भी आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करें, उसके बाद लिखें और उसको अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करें. जब आप सबमिट करें तो स्टडी सेंटर से भी आपको असाइनमेंट रिसिप्ट लेना है जो कि आपका रिकॉर्ड है आगे के फ्यूचर पर्पस के लिए जो कि यूज हो सकता है. असाइनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बिकॉज इट इज फॉर ऑल द इग्नू प्रोग्राम्स एंड इट कैरीज 25-30% ऑफ योर फाइनल ग्रेड्स या मार्क्स. तो असाइनमेंट को अच्छे तरीके से लिखें और अपना सबमिट करें. फर्दर एक लास्ट पॉइंट है कि देर इज नो रिवैल्यूएशन ऑफ द असाइनमेंट. इट मीन्स जो आपने एक सबमिट कर दिया अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो आपको उसमें रिवैल्यूएशन का चांस नहीं मिलता है. आपको दूसरे सेशन में दोबारा से असाइनमेंट लिख के सबमिट करना होगा. इसीलिए असाइनमेंट आप अच्छे से पढ़ करके अपना सबमिट करें. सेकेंड कंपोनेंट है इंटर्नशिप प्रैक्टिकल वर्कशॉप. उन प्रोग्राम्स के लिए होते हैं जो कि स्किल बेस्ड है या प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है जिसमें कि स्टूडेंट को ट्रेनिंग या वर्कशॉप के थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी है. जैसे कि एनजीओ सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में. तो स्टूडेंट्स जो है अपना प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करता है बाहर जाके अपना इन सभी एजेंसीज में और उसके बाद उसका एक रिपोर्ट बना के सबमिट करना होता है. उस रिपोर्ट के बेसिस पे स्टूडेंट्स का वाइवा लिया जाता है और उसको मार्क्स दिए जाते हैं. नेक्स्ट कम्स टर्म एंड एग्जामिनेशन. यूनिवर्सिटी कंडक्ट्स इट्स टर्म एंड एग्जामिनेशन ट्वाइस इन ईयर इन द मंथ ऑफ जून एंड दिसंबर. एग्जाम देने से पहले आपको देखना है कि द कोर्सेज फॉर विच यू आर गिविंग द एग्जाम उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड है कि नहीं और दूसरा कि इट इज नॉट टाइम बार्ड. ऑल्सो also you must have attained the minimum time for giving the examination as per the provision of program. जैसे कि अगर आपका certificate या semester based program है तो आप 6 महीने के बाद ही उसका exam दे सकते हैं और अगर आपका annual program है तो आप 1 साल के बाद ही उसका exam दे सकते हैं. जैसे कि अगर किसी student ने January 2020 में admission लिया है तो अगर उसका certificate या semester based program है तो उसको जून में एग्जाम देना है और अगर किसी स्टूडेंट ने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया है और उसका एनुअल प्रोग्राम है तो उसको दिसंबर 2020 में एग्जाम देना है.
और जिस एग्जाम के आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं उन्हीं का ही आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे सबमिट कर सकते हैं? इट शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन। मैं आपको लिंक दिखा देती हूँ। ये हमारा इग्नू का वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएंगे रजिस्टर ऑनलाइन और इसमें आप देखेंगे टर्म एंड एग्जामिनेशन, इसको क्लिक करेंगे तो आप में आपको इसमें सभी गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन टर्म एंड एग्जामिनेशन। जैसे अभी यहाँ पे जून 2020 का दिखा रहा है, यू हैव टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली और आपको 150 रुपीज का पेमेंट करना है पर कोर्स आपके थ्योरी के लिए, और प्रैक्टिकल के लिए आपका 150 रुपीज पर कोर्स है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको पूरा देखना है, फिर डिक्लेरेशन क्लिक करके आपको प्रोसीड करना है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए, ठीक है। अब ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम फॉर 4 credit courses इज फॉर 2 hours एंड 8 credit courses इज फॉर 3 hours। अपने आपके जो कोर्सेज हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आप देखने के लिए हमारे जो सारे क्वेश्चन पेपर्स है प्रीवियस ईयर्स की हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, यू कैन चेक इनटू दैट। ये हमारा जो वेब लिंक है इसको हमने खोला है, 2008 से लेकर के 2019 तक सभी क्वेश्चन पेपर्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, सो आप तैयारी के लिए उसको यूज कर सकते हैं। थ्योरी एग्जाम्स होने के बाद टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होते हैं उन कोर्सेज के लिए जहाँ पे जिनका प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, जैसे कि हमारे कुछ BCA, MCA, BLS, MLIS, PGDLN, PGDIS कोर्सेज के लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज प्रोजेक्ट एंड वाइवा। कुछ प्रोग्राम्स में हमारा प्रोजेक्ट का कंपोनेंट भी होता है, तो प्रोजेक्ट कैसे बनाना है इसके लिए आपको अपना प्रोग्राम गाइड पढ़ना है। प्रोग्राम गाइड में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि कैसे सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना है, प्रोजेक्ट कहाँ सबमिट करना है, इवेल्युएशन कैसे होगा और वाइवा कहाँ पे होगा। कुछ प्रोजेक्ट का जो है वाइवा रीजनल सेंटर पे होता है और कुछ प्रोग्राम्स में होता है कि सिर्फ आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है और आपको प्रोजेक्ट सेल या प्रोजेक्ट सेल स्टूडेंट इवेल्युएशन में सबमिट करना है जिसमें कि कोई वाइवा नहीं होता है। तो आप अपने प्रोग्राम को गाइड को पढ़िए और अपने प्रोजेक्ट कंपोनेंट को पढ़िए किसमें आपका क्या प्रोसीजर है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द मार्किंग सिस्टम ऑफ इग्नू। इग्नू में 2 type के मार्किंग सिस्टम होते हैं, न्यूमेरिकल एंड ग्रेड सिस्टम। आपको अपना प्रोग्राम गाइड पढ़ना है कि आपके प्रोग्राम के लिए न्यूमेरिकल सिस्टम है या फिर ग्रेड है। जहाँ पे न्यूमेरिकल सिस्टम होते हैं वहाँ मार्क्स दिए जाते हैं और जहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं वहाँ पे ग्रेड्स दिए जाते हैं। आपको अपने प्रोग्राम गाइड से ये भी पता चलेगा कि आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है। कुछ प्रोग्राम्स के लिए 35% है, कुछ प्रोग्राम्स के लिए 40% है एंड कुछ कंपोनेंट के लिए ये 50% भी है। तो यू हैव टू रीड योर प्रोग्राम गाइड फॉर नोइंग योर मिनिमम पासिंग मार्क्स इन अ पर्टिकुलर कोर्स। एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट ऑल कंपोनेंट ऑफ इवेल्युएशन, चाहे वो असाइनमेंट है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट है, एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है, इंटर्नशिप प्रैक्टिकम है, दे शुड हैव मिनिमम पासिंग मार्क्स, ओनली देन यू विल बी एबल टू कम्प्लीट योर प्रोग्राम। सेकेंड इज अवर लेटर ग्रेडिंग सिस्टम। इसमें हम ग्रेड्स प्रोवाइड करते हैं ABCDE बेस्ड ऑन द 5-point ग्रेड सिस्टम एंड इनका क्वालिटेटिव लेवल होता है एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज एंड अनसेटिस्फैक्ट्री। इनका परसेंटेज इक्वलेंस भी दिया गया है जिससे आपको अगर किसी भी ग्रेड का परसेंटेज निकालना है तो आप उसका परसेंटेज इक्वलेंस निकाल सकते हैं। ये 2019 में इग्नू ने कुछ UGC CPCA सिस्टम के प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं जो कि अभी बैचलर्स डिग्री के लिए हैं। बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए दे आर यूजिंग 10-point ग्रेडिंग सिस्टम फॉर इट्स CBCS programs for bachelor's degree। इसमें 10-point पे ग्रेडिंग सिस्टम की जाती है। इनका लेटर ग्रेड वेरीज फ्रॉम O टू F। O means outstanding, A+ means excellent, A very good, B+ good, B above average, C average, D pass। एंड correspondingly इनका न्यूमेरिकल है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4। एंड परसेंटेज में है इनका यहाँ पे mentioned है, अगर greater than 85 है then it will be outstanding and if a student have received less than 35% of marks
देन स्टूडेंट इज कंसिडर्ड फेल, और अगर स्टूडेंट एबसेंट है तो उसका एबसेंट मार्क किया जाता है. स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन इज अ डिवीजन विच हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन टर्म एंड एग्जामिनेशन, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स, डेजर्टेशन, वाइवा वर्सी, फील्ड वर्क एक्सेट्रा. स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन SED ऑल्सो कंडक्ट्स द कॉन्वोकेशन एंड प्रोवाइड द degree, diploma and certificate to the student. In case you have any difficulty in any of the component, then you can contact the student evaluation division at the link given below. I will just show you the link. This is the link. This is the IGNU website and the contact details of the official dealing with the student grievances of SED. Here you can see the email ID and telephone numbers of the officials who are dealing with the different components of evaluation. So you can contact them and you can get the information. For any other queries, you can always contact us at IGNU Regional Center Delhi 2. Our email address is rcdelhi2@ignu.ac.in. While writing to us email, please mention your name, program, enrollment number, regional center, study center and your specific query. We are always happy to resolve your all the queries. So, best wishes for your success and happy learning. Thank you.